सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये भारत सरकार के निर्देशों पर हमारे संस्थान में मनाया जा रहा है, देश के सभी संस्थानों में मनाया जा रहा है। और इस बार जो इसका विषय मिला है वो है सतर्क भारत समृद्ध भारत। इस विषय पे एक सप्ताह तक हमको विभिन्न प्रयोग आयोजन किए जाने हैं। इन आयोजनों में एक सबसे पहला आयोजन 27 अक्टूबर को हमने किया है, जिसमें कि हमारे संस्थान ने संस्थान के लिए जो शपथ निर्धारित की गई है वो शपथ सभी ने ली है, और हर व्यक्ति के लिए उसमें शपथ एक है जिसने हमारे सारे साथियों ने हमने सब ने मिल के शपथ ली है कि हम ना तो भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही भ्रष्टाचार होने देंगे। हम लोग अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे। किसी भी हमारी जानकारी में यदि कोई भी ऐसा कृत्य आता है किसी का भी, तो हम सक्षम अधिकारियों को उसके बारे में बताएंगे और भ्रष्टाचार रोकने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। इस सप्ताह के दौरान अब हम निबंध लेखन प्रतियोगिता करेंगे, जिसमें संस्थान के सभी अधिकारी वर्ग कर्मचारी सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल होंगे। विषय यही रहेगा सतर्क भारत समृद्ध भारत। इसके पश्चात हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हम केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे और वहाँ जो विद्यार्थी इस समय आ रहे हैं उनके साथ भी एक हम निबंध प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, जिसमें जो अच्छे भाग लेने वाले प्रतिभागियों उनको पुरस्कृत भी करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने एक व्याख्यान माला भी अभी शुरू कर रखी है और 2 नवंबर को इसकी समाप्ति होगी। उस समय भी हम इसी विषय पर जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे हम कुछ व्याख्यान दिलवाएंगे, जो सभी लोग हमारे उसको भाग लेंगे। प्रमोद कुमार त्यागी है, यहाँ पे मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ तथा मैं यहाँ पे विजिलेंस ऑफिसर भी हूँ। एज ए विजिलेंस ऑफिसर हम लोगों की यह दायित्व या ड्यूटी रहती है कि संस्थान में जो भी कार्य या जो भी चीज़ चल रही है वो सही ढंग से चल रहे और कोई पक्षपात ना किया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। और इसी तरह हमारे जो कई फाइलें हैं या जो संस्थान में और ऑफिस में काम होता है, तो बीच बीच में हम वो फाइलें भी चेक करते रहते हैं कि सब फाइलें या सब जो कागज़ हैं वो नियमानुसार कार्य किए जा रहे हैं या नहीं, लोगों के जो प्रमोशन हो रहे हैं या आगे अगर इसमें कोई शिकायत हमको प्राप्त होती है बाहर से या काउंसिल से, तो उसकी हम लोग दिशा निर्देशों के अनुसार जाँच भी करते हैं। और साथ साथ हम लोग इसमें जो भी कहना चाहिए कोई सजेशन या कुछ होता है वो हम अपने निर्देशक को भी देते हैं और साथ में उनके साथ हम लोग सलाह मशवरा भी करते हैं, जिससे कि सभी लोग ये इंस्टीट्यूट का काम अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।